आज मैं दोस्तों लेकर के आई हूँ मठरी बनाने का रेसिपी, जो इन्हें मठरी भी बोला जाता है, नमक पाड़े भी बोला जाता है, और ये होली में बनाकर रख सकते हैं, और जैसे रमजान भी चल रहा है तो इसी में भी बनाकर रख सकते हैं। और ये झटपट आसान रेसिपी है दोस्तों बनने वाला, तो आप लोग ला सकते। और ये इतना क्रिस्पी और इतना करारा बनेगा दोस्तों, एकदम आसान तरीके से आज बनाकर बतलाऊंगी, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए कैसे मैं बना रही हूँ। चलिए इन्हें बनाते हैं। अगर आज की हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद पड़ेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा किचन में। तो यहाँ पर हम मठरी बनाने के लिए देखिए मैं मैदा रख रही हूँ, जो 250 ग्राम अंजाद से मैदा रखी हूँ, और ये छाना हुआ मैदा है इसलिए मैं नहीं छान रही हूँ, आगे ही छान कर मैं रखी थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा मंगरेला, इसे भी कलौंजी भी कहा जाता है, इसी में आधा चम्मच से भी थोड़ा सा डाली हूँ मंगरेला, और थोड़ा सा जवाइन डालेंगे और इन्हें हाथ से अच्छा से मिक्स कर लेंगे। देखिए तो तीनों सामान अच्छा से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप घी भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच रिफाइन, और इन्हें अच्छा से हम मैन लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए मुट्ठी बन रहा है, तो ये अच्छा से मैन लग गया है। तो इसी तरीके से आप लगाइएगा, एकदम खस्ता क्रिस्पी और करारा बनेगा दोस्तों। और देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इनकी डो लगाएंगे। आपको डो सॉफ्ट नहीं लगाना है, ठीक है कि हम डो लगाएंगे, ना ही कड़ा लगाएंगे ना ही सॉफ्ट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, और इन्हें हम 2-3 मिनट के लिए अच्छा से मसल लेंगे हाथ से, ये अच्छा से ये नरम हो जाए हमारा डो। देखिए इस तरीके से, और देखिए 2-3 मिनट मैं मसल ली हूँ, अच्छा से ये डो लग गया है। तो इन्हें 10 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे, ये अच्छा से ये डो सॉफ्ट हो जाए और नरम हो जाए। किसी भी चीज़ से, कपड़ा से या बर्तन से ढक करके 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा रेस्ट पर। और देखिए 10 मिनट हो गया है और दबा कर दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा से डो हमारा फूल गया है और सॉफ्ट हो गया है। इन्हें 1 मिनट के लिए इस तरीके से हम हाथ से मिला लेंगे, अच्छा से ये मिल जाए। और देखिए अच्छा से मिला दी हूँ, तब इन्हें हम बनाएंगे मठरी दोस्तों। इन्हें बनाकर आप लोग होली के भी लिए रख सकते हैं, और रमजान चल रहा है इसी में भी बनाकर खाया जाता है, तो आप लोग बनाइएगा ज़रूर। अगर हमारे आज की हमारी रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और देखिए डो का मैं रख दी हूँ एक फिड़का पर, और इन्हें 4 टुकड़ा में मैं चाकू से काट दी हूँ। तो एक टुकड़ा ले लेंगे और 3 टुकड़ा को हम ढक करके रख देंगे, जो कड़ा नहीं पड़ेगा। और एक डो कर देखिए इस तरीके से मैं लंबा कर दी हूँ, और चाकू से इन्हें जैसे पूरी के पीस हम काटते हैं इसी तरीके से हम सारा काट लेंगे। और देखिए इस तरीके से हाथ से एक पीस ले लेंगे और दबाएँगे, और इन्हें पूरी की तरह हम बेलेंगे इस तरीके से, एकदम पूरी के जैसा हमें बेलना है। तो आप कस के पतला भी बेलना चाहते हैं तो पतला भी बेल लीजिएगा, लेकिन जैसे पूरी बनाते हैं ना इसी तरीके से मैं बेल रही हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से ज़रूर बेलिएगा। और देखिए एक मैं बेल दी हूँ, तो चलिए अब इन्हें बनाते हैं, बनाकर आप लोग से दिखाती हूँ मैं, एकदम आसान तरीका है दोस्तों। तो आप लोग इस होली में ज़रूर बनाइएगा, और इन्हें चाय के भी साथ में खाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक पूरी मैं बेल कर रख ली हूँ, इस तरीके से जो चाउमीन खाने वाला कांटा होता है इसमें हम छेद करेंगे इस तरीके से। देखिए छेद करने से क्या होता है, जब हम फ्राई करेंगे ये तो फूलेगा नहीं और एकदम खस्ता और क्रिस्पी कुरकुरा बनेगा। तो इस तरीके से छेद करना ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर करिएगा। और देखिए चारों मैं छेद कर दी हूँ, इन्हें क्या करेंगे हम पलट देंगे, और इस तरीके से हम ये इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, हल्का हाथ से इन्हें दबाएंगे अच्छा से, ज़्यादा हमें नहीं दबाना है, नहीं तो फ्राई करने के टाइम में इसका मुंह नहीं खुलेगा। और यहाँ पर जब दोबारा मैं दाबी हूँ तो देखिए सिर्फ हम कौन दाबे हैं जो लास्ट वाला है उसे, यहाँ पर जो फोल्ड करे हैं मुंह लौक रहा है चार वाला, इन्हें हमें नहीं दबाना है, नहीं तो फ्राई करने के टाइम में ये नहीं फूलेगा, मतलब मुँह नहीं खुलेगा, फूलने के लिए बोल रही हूँ। देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से हम सारा बना लेंगे, और बना करके इन्हें अच्छा से हम ढक देंगे, और जो बच्चा है लोई उन्हें भी इसी तरीके से बेलकर बनाएंगे। इस तरीके से ढकने से क्या होगा, ये काढ़ा नहीं होगा। यहाँ पर मैं रिफाइन गरम होने के लिए रख दी हूँ, और ये थोड़ा सा मीडियम गरम है, तो इसी में हम जो मठरी बनाए हैं नमकीन इसे डाल देंगे देखिए, और इन्हें अच्छा से हम फ्राई करेंगे।
आप ध्यान रखिएगा तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा और अच्छा से फ्राई नहीं होगा। और देखिए कितना अच्छा से मुंह खुल रहा है दोस्तों। तो है ना एकदम आसान रेसिपी, तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है और बहुत अच्छा से बन जाएगा ये। अब इन्हें हम पलट देंगे दूसरे बगल से भी, पलट उलट कर इन्हें फ्राई करेंगे एकदम, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो अच्छा से निकालेंगे इन्हें। तो देखिए उलट पलट कर अच्छा से हम फ्राई करेंगे और देखिए अच्छा से कितना अच्छा से मुंह खुल गया है इसका, अंदर तक अच्छा से फ्राई हो जाएगा। और देखिए अच्छा से कितना सुनहरा कलर आया है। इसी तरीके से हम उलट पलट कर इन्हें बार बार पलटेंगे उलटेंगे और इन्हें अच्छा से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा से हो गया है। अभी इन्हें हम निकाल लेंगे दोस्तों। और देखिए एक बार दिखाती हूँ आप लोग के कितना अच्छा से कलर आया है इसका। एकदम आसान रेसिपी है दोस्तों, बिना मेहनत के झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। इस होली में आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और लीजिए निकाल कर रख दिए हैं और ढेर तेल भी नहीं लगेगा इन्हें फ्राई करने के लिए। अब इसी तरीके से जो बचा है उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। तो देखिए एक बार इन्हें उठा करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा से मुँह खुल गया है, बिना झंझट के बिना मेहनत के ये झटपट रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए सारा मैं फ्राई कर दी हूँ और देखिए कितना क्रिस्पी और कितना करारा और एकदम आसान तरीका है बनाने के रेसिपी। तो आप लोग एक बार ज़रूर इन्हें बनाइएगा। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। इस होली में आप लोग ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान चल रहा है इस पर भी बनाइएगा। और ढेर सारा बना करके इन्हें कुछ ऐसे ही रख सकते हैं, कभी भी मन करेगा तो इन्हें खा ले, चाय से भी खा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग भी जरूर